नवरात्र के अवसर पर शहर में निकाली गई भव्य चुनरी शोभा यात्रा, जिसमें शहर के विभिन्न समितियों ने एक साथ निकाली शोभा यात्रा। नवरात्र के अवसर पर दुर्ग सती चौरा दुर्गा मंदिर से गुरुवार की शाम भव्य चुनरी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसे माता के चुनरी के साथ विशाल काय झांकी भी निकाली गई। इसी कड़ी में पंचमी के दिन शहर के विभिन्न जगहों से एक साथ लगभग 27 समितियों के द्वारा एक जगह से चुनरी यात्रा निकाली गई, जिसने शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण किया और चंडी मंदिर पहुंची। इस अवसर पर शोभा यात्रा में शहर ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे। इस दौरान शोभा यात्रा में दुर्ग पुलिस द्वारा कोई अप्रिय घटना न हो, इसको लेकर लगातार अपनी नजर बनाई हुई थी। इस संबंध में सत्ती चौरा मंदिर के अध्यक्ष ने जानकारी दी। वार नवरात्र और चैत्र नवरात्र में पूरे 9 दिवस तक चुनरी निकलती थी। इस पर शासन प्रशासन के सहयोग से और दुर्ग शहर के सभी सामाजिक लोगों के सहयोग से, सभी चुनरी यात्रा के सहयोग से एक साथ चुनरी आज पंचमी में निकाली जा रही है, जिसमें दुर्ग शहर में लगभग 30 चुनरी यात्रा निकली है। एक शहर में पूरा धार्मिक वातावरण छाया हुआ है, इसका पूरा श्रेय दुर्ग शासन के शासन प्रशासन को और सभी चुनरी समिति को जाता है, जिसमें सभी के सहयोग से यह प्रयास किया गया है। और यह प्रयास पूरे सार्थक पहल में किसी प्रकार की हुड़दंग मस्ती न करते हुए शहर में सिर्फ धार्मिक वातावरण दिखे उस उद्देश्य से यह कार्य किया गया है। इंदिरा मार्केट, गांधी चौक, पुल साहेब पारा से होते हुए मोती कॉम्प्लेक्स, मान होटल, तमेर पारा होते हुए चंडी मंदिर, जो कि विश्व विख्यात मंदिर है, चंडी मंदिर वहां जाकर माता को चुनरी चढ़ाकर चुनरी यात्रा की समाप्ति होगी। ग्रैनी सीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।